चमेली है? डाबर, दोनों तेल ही है। अच्छा है भाई, अर्जेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड देंगे? लेडीज साइड में खड़े मत रहो। कैसे, ये सब कैसे होगा पता ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है सर, और कई ऐसे बस है जिसमें लड़के सुरक्षित ही नहीं है। लड़कों की? हाँ। हे भगवान, क्या बेटी, वो तुम्हें टच किया जा रहा है और तुम चुपचाप ऐसे ही खड़ी हो, उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ो बहन, रहने दो, मैं अगले स्टॉप पर तो उतरने वाली हूँ। क्या बोली, अगले स्टॉप पर उतरने वाली हो? हाँ। ऐसे कैसे? नो 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 नो, वी कैन नॉट लीव इट लाइक दिस, आई विल टीच यू माय गुड लेसन। तू जरा इधर आना। लड़की को छेड़ता है? ओ बहन जी, क्यों मार रही हो मुझे? टच क्यों किया? कंडक्टर सिटी बजा रहा है, ड्राइवर भोपू बजा रहा है, ब्रेक मारा, धक्का लग गया, तो इसके लिए मारोगे मुझे? मैं कौन हूँ जानती हूँ? अजीत या विजय? अजीत विजय का झटका चलेगा। अरे पापी, तुझे मैं चप्पल से मारूंगी। हेलो, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट पता है, एक और लगा दूंगी तुझे। सही कह रही हो बेटी, मैं कब से देख रहा हूँ ये लड़की है, ये भी नहीं सोच रहा कब से धक्का दे रहा है। अबे ओ बड़ो, लड़की को देख के ही धक्का मार रहा हूँ। अरे ये क्या, तू क्यों मार रही है? मैं उस लड़की को धक्के मार रहा हूँ, तुझे क्या लगता है तुझे धक्का मारना चाहिए? अरे बाप, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी, कोर्ट में लेके जाऊंगी तुझे। मुझे देख, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब मालूम है क्या तुझे? नहीं है तो मैं तुझे समझा देता हूँ, आज सब समझ में आ जाएगा। अरे तू क्या किलबिल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से जो तूने गलतियाँ की हैं, शाम तक तेरे पास लौट कर आ जाएंगी, तब समझेगा। थैंक ब्रो, मतलब वो लड़की शाम को खुदा कर मुझे धक्का मारेगी। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगी, इसे जेल में डालूंगी, देख लेना तुम। कौन है रे, अकेले आदमी से गंदी बात कर रहा है? आदमी का आधार कार्ड राशन दुकान में काम आएगा? राशन की दुकान में आधार कार्ड लेके जाओगे तो चावल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कौन के नीचे एक थप्पड़ मिलेगा। क्या धक्का दिया, धक्का दिया बोल के चिल्ला रही है, जिसको धक्का दिया वो तो कुछ नहीं बोल रही है, तू क्यों बोल रही है? समझे बुढ़ो, हो सकता है दोनों लवर्स है। क्या ब्रो, साइड गैप में चीज के साथ शामिल कर रहे हो? क्यों रे, जोकर जैसी हरकतें कर रहा है। हाँ, तूने मुझे आइटम बोला, लड़की को छेड़ता है, दिस इज नॉट ओके। सही बोला, मारो इसे, इसको मारो, 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 मारो। अब पुलिस इसका फैसला करेगी। बहन बहन, अभी आगे से धक्का नहीं मारूंगा, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा। I will show you who I am. बस करो कर। यो भाई, महीना खत्म होने वाला है लेकिन एक भी नया केस नहीं आया। जब से नया इंस्पेक्टर आया है तब से कोई गलत काम करता ही नहीं है। अरे निकलो निकलो जल्दी करो, भाई उधर देखो नया केस। चलो चलो जल्दी करो, अब नहीं बचोगे तुम लोग। क्यों भाई, मुंह क्यों फिरा लिया? एक लड़की दो आदमियों को मार कर ला रही है, एक स्कूल मास्टर का हवा बन कर आ रहा है, तो ये नया केस है ना? अरे वो छोड़ दो, अलग हिसाब है। अलग हिसाब मतलब? चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से जल्दी। अरे आज कितना कलेक्शन हुआ रे ताई, आज सबने हद से ज्यादा मेरी पिटाई की है, इसलिए कुछ बढ़िया खाने के लिए लाना। पिटाई तेरी हुई पर आइडिया तो मेरा था, आज मैंने इंग्लिश में इतनी सारी लाइनें बोली तो मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए। बड़ी अपनी इंग्लिश की तारीफ कर रही है, इंग्लिश बोलना आसान है, मैंने मुहावरा बोला वो कितना मुश्किल है पता है? पिताश्री क्या मुहावरा बोले, आधा तो बोले वो भी ठीक से नहीं बोला। चलो यार, जो भी करना है जल्दी करो। बड़ो, आपके जेब में जो पर्स है ना उसको निकालो। अरे वो भी देख लो, ध्यान हटा तो दोनों बाप बेटे रोड पे ही नाचने लगेंगे। देखो तुम्हें सिर्फ 1000 रुपए ही मिलेंगे, बाकी शक्ति के और मेरे। क्या रे, नौकर को ज्यादा देती है, फैमिली को थोड़ा देगी? ए, भाई का बहन का, भाई का तीन हिस्से है ना, तो फिर बराबर वैसे हिस्से करो। इधर देखो, पर्स को ताला मारा है। अरे छोड़ो, अब तो सब अपनी जेब में भी ताला लगा के घूमते हैं। लगता है बाल बच्चे वाले का है, ऐसे मालूम ताला ही नहीं मारा है। ए, आप बस करो और इसे पकड़ो। ए अप्रेंटिस, लाइसेंस को पोस्ट ऑफिस में डालो और पर्स को गोडाउन में। क्यों दोस्तों, क्या देख रहे हो, पहचानते हो ना, हम नए नहीं है, हम इस धंधे के पुराने खिलाड़ी हैं। भूल गए क्या, जो ऐसे खड़े होकर घूर घूर के देख रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं बड़ा हूँ, बोल सकता हूँ। सुन, तन्ना तना ना ना ना, इधर क्यों, मैं उधर जाके गाता। शक्ति आ? बहुत कड़क धूप है, तू मुझे पक्का बता कि वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। शक्ति तेरी फिगर आई या ना आए, मेरे पिताजी को शुगर जरूर आएगी। जल्दी मत मचाओ, उसे एक बार देखोगे ना तो देखते रहोगे। क्या आई फिल्म के माइकल जैक्सन की तरह दिखती है क्या? पिताश्री, ओ एमी जैक्सन, कोई जैक्सन हो अपने को क्या? ए सब अजीत विजय के लिए है, तुझे सब सेट नहीं होगा। क्यों, शक्ति में क्या कमी है? साइड से देखा तो अजीत जैसा ही लगता है। सही बोली बहन। अरे ताई, इसे तुम्हें आंटी बुलाना चाहिए, लेकिन तुम्हें बहन बुलाता है, इसके लिए इसे ऐसे फंसाओगी। छोड़ो,
तू इससे गोरा है ना, इसलिए इसे जलन हो रही है। क्या बोल रहा हूँ सुन, रोड के कुत्ते गाड़ी का पीछा कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में नहीं बैठ सकते। जा रहे भाई। सुना? क्या हुआ? वो आ रही है। क्या बोल रहे हो? तेरा दिल धड़कने लगा। फोन को वाइब्रेट में रखा होगा, देख धड़क रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बोल रहा है तू? ये फोन भी ना, सच्ची आ रही है। कहाँ से? शक्ति, तुम इस लड़के से प्यार करते हो? ठीक है ठीक है, इस बार मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बहन मानते हो इसलिए तुझे अजीत कहा। तुझे सच लगा क्या? ए, चलो चलो जल्दी चढ़ो पिताजी, चलो चलो जल्दी चढ़ो। देखा क्या कैसे देख रहा है? नो रे, मांस की दुकान में मांस का कुत्ते किस तरह से देखते हैं ऐसे देख रहा है। अरे तू जरा साइड हो। शक्ति जाना बात कर, जा। बेटी एक इन्फिनिटी की टिकट लेना। इन्फिनिटी? ना शक्ति। हेलो इन्फिनिटी, एक टिकट पास करो। इन्फिनिटी नाम नहीं है क्या? हेलो एक इन्फिनिटी। लव यू बोलने को बोला तो शक्ति भक्ति कर रहे हो। एक इन्फिनिटी देना। ए बात रुको, ये पर्स ये आपके मैंने लिया, क्या करेगा चल निकल। एक तो पर्स चोरी कर ली, ऊपर से रुआ दिखा रहे हो, मुंह में ब्लेड भी है भाई भाई, फट जाएगा पूरा। जाने दो। ए हां मैडम, आई एम शक्ति। छी तू एक चोर है और इतना घमंड, चल तुझे पुलिस स्टेशन दिखाती हूं तुझे। हां लेके जाओ, मैंने अंदर डलवा दो, लेके जाओ इसे। देखो उसने बुलाया और पीछे चल दिया। ए शक्ति तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, ऐसे जा रहा है जैसे लव स्पॉट पे जा रहा है। ऐसे ऐसे होना चाहिए। अरे तो मेरा पर्स है बॉस, आपके पास कैसे आया? चार टाइम निकाल चुका हूँ एक ही पर्स को। एक पर्स को नहीं संभाल सकता तो बीबी को कैसे संभालेगा? बड़ी बड़ी बातें करता है, चल भाग 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 यहाँ से फुट। सर सर कंप्लेंट फाइल करनी है सर। क्या है, पिक पॉकेट है क्या? मैडम बाकी गैंग नहीं दिख रही है, सिर्फ शक्ति को लेके आई है क्या? गैंग नहीं है सर, ये वहाँ अकेले ही खड़ा था, पिक पॉकेट करने के बाद बड़े रॉब से बातें कर रहा था। शक्ति ऐसी बात नहीं कर सकते मैडम। बात किया सर, आप FIR लिखिए ना। ऐसा क्यों बोलती हो बेटी, आज FIR डालने बोलोगी कल कोर्ट में जाना होगा तो गायब हो जाओगी। मैं मलाइका, मैं मुंबई से MBA कर रही हूँ, 7th Avenue 7th Street अशोक नगर, इधर ही रहती हूँ, किधर भी आके गवाही दे सकती हूँ। शक्ति कर दो FIR। फुल चांस है सर, कर दीजिए। सर एक FIR लिखने के लिए इससे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों मैडम, आपका एक ही केस है, आप बोल के निकल जाओगी, हमें एक दूसरे का चेहरा डेली देखना पड़ता है। डेली सर? तो तुम जाके कंप्लेंट लिखो, पेपर दे यार, ऐसा ही खड़ा है क्या? ए शक्ति मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। प्यारी गड़बड़ है सर, लड़की बहुत खूबसूरत है, कैसे भी इसे पटा के लाइफ सेट कर देना। तभी तो सर उसने हाथ पकड़ा और मैं चला आया। सच है सर, ये लीजिए मेरी कंप्लेंट रिपोर्ट। हाँ ओके, कल आके FIR कॉपी लेके जाना। इसको 10 साल के लिए अंदर डाल दीजिएगा सर। क्या मैडम ये कोई बड़ा आतंकवादी है क्या? 10 साल अंदर करने के लिए ये सब हम देख लेंगे, तुम अभी जाओ। शक्ति एक जरूरी बात है, ये जो लड़की, ये क्या रेडियो से पहले खींच लिया? ये तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं है, कल कुछ हफ्ता हफ्ता देके बाहर निकल गए तो फेसबुक पे ये फोटो डाल के तुम्हें बदनाम कर दूंगी। छी इडियट। सरदर्द देने वाली केस है ये। क्या सर गल्ला फूल है क्या आपका? क्या बात कर रहे हैं, जब से नया इंस्पेक्टर है जेब भरती ही नहीं है, पैसे को देख भी नहीं पा रहा हूँ। गल्ला भरने से मतलब है ना, एक डल्ला मारते है। क्या बात है, क्या बात बोले। चलो मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं तो उनको बाय करके आ ही रहा था। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आपके दोस्त पट्टू ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर 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 सॉरी सर, FIR नहीं करनी मुझे, मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। ये सब होगा मुझे पहले से ही पता था। मैडम वो बाहर होता तो कम लूट लेता, तुमने उसे अंदर छोड़ा पूरा लूट लिया। मतलब मैं समझी नहीं, तुम यहाँ से लेके जाओ। आप चलिए। हाँ सुनिए, कल वो पट्टू ने चैन खींचा इन्फिनिटी थिएटर में, उठा लो। इसीलिए तो अपना शक्ति चाहिए, सुपर शक्ति। बाय। क्या सर चेन रॉबरी के बारे में ये सब आपसे क्यों पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? अरे ये तो कुछ नहीं है, सिंपल मैटर है, स्टोरी लंबी है, ये कॉफी पिलाओ डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली पट्टू सर ने ही, पट्टू सर? हाँ पट्टू सर ने ही इस बच्चे के बारे में मुझे बताया, इसको बचाने के लिए आपने अपने सर पे इल्जाम क्यों लिया? पट्टू शक्ति, पट्टू शक्ति। ये क्या है? हैंडशेक। ओह ए
बचपन की पॉकेट मारी सही है। बड़ा होके काटूंगा तो गलत है। बड़ा होके 30 साल क्या बनेगा? हम दोनों से बड़ा बनेगा तू? टाइम पे पहुंच के नहीं बचाता तो मर जाता तू। पैसे नहीं है भाई। किस लिए चाहिए पैसे? ए बोलना, क्यों चाहिए पैसे? स्कूल फीस के लिए। पढ़ाई के लिए चाहिए? हाँ भाई। कितना? 1500 रुपए। पढ़ाई के लिए ना मैं कितनी भी हेल्प कर सकता हूँ। जा अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। ये पट्टे जाना छोड़ गया ना उसको? हाँ हाँ, मैं छोड़ कर आता हूँ। ए बेटा ये ले। थैंक्स भाई। तुम पुलिस हो ना? पुलिस? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं समझ गई हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हें देखा था और अभी आईडी कार्ड भी देख रही हूँ। आईडी? क्या चील जैसी आंखें हैं, शार्प पॉइंट और तेज दिमाग है आपका। हाँ मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बोलते हैं। तुम पुलिस को क्यों नहीं बता रहे हो? तुम सीआईडी हो ना? कह तो सकती हो। लेकिन पट्टू को भी नहीं पता मैं पुलिस हूँ, मत बता देना। अरे रे, मैं क्यों किसी को बताऊँ? ए पट्टू, मैं कौन हूँ? तू अच्छा है, भला है, सब जानकारी रखने वाला, बहुत बड़ा दिमाग वाला। मैं काम क्या करता हूँ? हाँ, बोला था ना मैं क्या करता हूँ, पट्टू भी नहीं जानता। ठीक है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं निकल रही हूँ। फोन नंबर? पट्टू सर ने आपका नंबर दिया है मुझे, मैं कॉल करती हूँ आपको। क्योंकि ना पब्लिक को आपका नंबर पता चल गया तो फोन कर करके आपको परेशान कर देगी। बिल्कुल, इसीलिए मैं खुद कॉल करूंगी। ओके बाय। बोला ध्यान रखना है। थैंक यू। ए यार, तेरे और मेरे अलावा और कौन बैठा है? टपरी कौन है, तू या मैं? टेंशन मत ले यार, ठंडा ले।